सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेज के 6 जवान शहीद हो गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज जरमीन जहरा हमारे साथ मौजूद है। जरमीन, क्या कहना है आईएसपीआर का? देखिए, आईएसपीआर का ये बताना है कि दो कार्रवाइयाँ की गई हैं। 19 और 20 सितंबर को शुमाली और जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के दरमियान जो हैं वो झड़पें हुए, जिसके नतीजे में 12 ख्वारिज दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, और जबकि 6 बहादुर जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। 19 सितंबर को 7 दहशतगर्दों के ग्रुप की नकलो हरकत पाक अफगान बॉर्डर पर देखी गई, जो कि दहशतगर्दों का एक ग्रुप जो था वो सरहद पर दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली बलूचिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इनका जो है वो सुराग लगाया और उनको देखा और उनको मोसर अंदाज से घेर लिया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद 7 जो खवारिज दहशतगर्द थे उनको जानों वासिल कर दिया गया। इनके कब्जे से भारी मकदार में असला, गोला बारूद, धमाका खेज भी मवाद जो है वो भी बरामद हुआ है। जबकि दूसरा वाकया पेश आया जनूबी बलूचिस्तान में लदहा में, जबकि जो खवारिज का एक ग्रुप था वो सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए इनकी जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया और 5 जो खवारिज जो थे दहशतगर्द उनको हलाक कर दिया गया। तहम इसी शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान बहादुर वतन के जो जवान हैं, 6 बहादुर जवान, उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। आईएसपीआर का कहना है कि इलाके में मौजूद किसी दूसरे खारिज के खात्मे के लिए क्लेंस ऑपरेशन जारी है, और साथ ही साथ ये भी कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म भी है। बहुत शुक्रिया जरवीन आपका।